हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग तभी हम लोग डिस्कस करेंगे हमें पता है कल का मतलब क्या होता है अगर मैं आपको बोलूँ किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कल फाइंड आउट करके बताऊँ तो आप बेसिकली करोगे क्या वो जो पॉइंट होगा उसके अक्रॉस कंसिडर करोगे एसिमल लूप और वो जो लूप होगा वो लूप का आप क्लोज लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करोगे और वो जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा उसको आप डिवाइड कर दोगे वो लूप के एरिया के साथ जिसके वजह से वो जो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कल बन रहा होगा वो आपको मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये वैक्टर फील्ड यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये वक्टर फील्ड ये वक्टर फील्ड में हमने कंसिडर किया ये एक पर्टिकुलर पॉइंट और ये जो पॉइंट है इसका हमें फाइंड आउट करना है कल तो हम लोग क्या करेंगे ये जो पॉइंट है इसके अक्रॉस हम लोग ड्रॉ करेंगे कंसिडर करेंगे इन्फानेटासीमल लूप ये जो लूप का जो सर्कम फेरेंस होगा बहुत बहुत छोटा होगा इन्फाइनाटासीमल स्मॉल होगा तो यहाँ पर ये जो लूप होगा उसके साथ एसोसिएटेड होगी वो वैक्टर फील्ड तो जो वेक्टर फील्ड का आप अगर क्लोज लाइन इंटीग्रेशन कंसीडर करो और वो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को अगर आप ये लूप के एरिया के साथ डिवाइड कर दो जो लूप का जो एरिया होगा अंदर जो लूप का जो एरिया जो बनेगा उसके साथ अगर हम लोग डिवाइड कर दें ये क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को ये क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को लूप के एरिया के साथ डिवाइड कर दें जो कि होगा डेल्टा एस तो उस केस में ये पर्टिकुलर पॉइंट का जो कर्लिंग इफेक्ट होगा वो आपको मिल जाएगा और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एन कैप है वो इंडिकेट कर रहा है ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कर्ल बनेगा उसका डिरेक्शन फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमें पता है जो कर्लिंग इफेक्ट होता है वो रोटेटिंग इफेक्ट होता है जो कल होता है कोई भी वक्टर फील्ड का कल वो हमें शो करता है रोटेटिंग इफेक्ट तो मान लेते हैं ये वैक्टर फील्ड का अगर रोटेटिंग इफेक्ट अगर एंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन में तो उस केस में आपको क्या करना होगा जो एंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन होगा वो डिरेक्शन में आपको राइट right हैंड की कर्ल फिंगर को अलाइन करना होगा तो जो थर्म होगा वो आपको इंडिकेट कर देगा कल का डिरेक्शन जो कि ये वाले केस में आउटवर्ड होगा बाहर की तरफ होगा सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला केस कंसीडर करें ये वाले केस में अगर वेक्टर फील्ड का अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉक है तो उस केस में आपकी जो राइट right हैंड की जो कल्ड फिंगर होगी वो क्लॉक डायरेक्शन में होगी और जो थम होगा आपको इंडिकेट करेगा एक डिरेक्शन जो कि होगा अंदर की तरफ और वो जो डिरेक्शन होगा वो कल का डरेक्शन होगा अगर आपको टॉक का डिरेक्शन कैसा फाइंड आउट करते अगर वो पता है तो ईजिली आप यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हो कि किस डायरेक्शन में होने वाला है कल का डायरेक्शन तो जो कल होता है वो कुछ इस तरीके से वैक्टर क्वान्टिटी होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर फील्ड के साथ एसोसिएटेड होता है कल तो यहाँ पर ये यह जो यूनिट वैक्टर एन कैप होगा वो इंडिकेट करेगा कल का डिरेक्शन तो हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से शो कर इस तरीके से शो करते हैं कल ऑफ अ वैक्टर फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डेल्टा एस टेंट्स टू जीरो तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पर ये वाला जो एरिया बनेगा लूप के अंदर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम लोग शो करते हैं डेल्टा एस से वो होता है जीरो के बराबर में क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वक्टर फील्ड डिवाइडेड बाई डेल्टा एस इंटू यूनिट वैक्टर एन कैप तो यहाँ पर हम भी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो वेक्टर फंक्शन का जो कल होता है कोई भी वेक्टर फंक्शन का जो कल होता है वो एक्जैक्टली exactly बराबर में होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन अलोंग विद द डेल ऑपरेटर और ये वाला जो टर्म होता है वो एक्जैक्टली exactly बराबर में होता है ये वाले रिलेशन के या फिर बोल सकते हैं ये वाले इक्वेशन के तो इसी के बारे में अभी हमें डिस्कस करना है तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कॉर्डिनेट एक्सिस और ये जो कॉर्डिनेट एक्सिस है कम्पलीटली सराउंडेड है वैक्टर फील्ड से तो यहाँ पर हमने y x और z कॉर्डिनेट एक्सिस कंसिडर की यहाँ पर हमने y एक्सिस कंसिडर की यहाँ पर हमने x एक्सिस कंसिडर की और यहाँ पर हमने कंसिडर की है z एक्सिस यहाँ पर हमने चार पॉइंट कंसिडर किया है और ये जो चारों जो तीनों जो एक्सिस है वो पूरी तरीके से वेक्टर फील्ड से सराउंडेड है और मान लेते हैं जो वेक्टर फील्ड है वो वाई और एक्स के फंक्शन में इसका मतलब क्या इसके बारे में भी आ, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है पॉइंट और ये यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किया यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट हमने कंसिडर किया तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग नाम दे देते एक्स कॉमा वाई ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे देते एक्स प्लस डी एक्स कामा वाई ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग नाम दे देते एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें एक्स प्लस डी एक्स कैसा मिला तो जब हम लोग जब एक्स की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे तो उस केस में जो एक्स होगा उसमें चेंज होगा मतलब जो एक्स एक्सिस होगा उसमें चेंज होगा जो कि होगा एक्स प्लस डी एक्स तो यहाँ पर ये डी एक्स हमें कैसा मिला इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलरली जब हम लोग वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे तो उस केस में जो एक्स एक्सिस होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा मगर वाई एक्सिस में चेंज होगा जो कि होगा वाई प्लस डी वाई सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा x प्लस डी एक्स कॉम वाई प्लस डी वाई यहाँ पर ये जो dx और जो डी वाई है वो कुछ नहीं है यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हमने कंसिडर किया डीएक्स सिमिलरली ये दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया डी वाई ये वाला जो डायमेंशन है उसको हमने कंसिडर किया डी वाई ये वाला जो डायमेंशन है उसको हमने कंसिडर किया डीएक्स तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर ये जो तीनों जो एक्सिस है वो पूरी तरीके से सराउंडेड है वैक्टर फील्ड से तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है एक्स कॉमा वाई ये पर्टिकुलर पॉइंट से एक वेक्टर फील्ड पार हो रही है और वो जो वेक्टर फील्ड है उसको हमने कंसिडर किया एफ़ और वो बराबर में एक्स कॉमा वाई के सिमिलरली एक ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट से भी एक वैक्टर फील्ड पार हो रही है और उसका जो डिरेक्शन है वो है अंदर की तरफ और वो जो वैक्टर फील्ड है उसको हमने नाम दिया एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई सिमिलरली ये पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग मान लेते हैं एक वैक्टर फील्ड अंदर की तरफ जा रही है तो ये जो वैक्टर फील्ड है उसको हमने नाम दिया एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई तो यहां पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो वेक्टर फील्ड है इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है उसको हमने नाम दिया एफ एक्स एक्स कॉमा वाई और उसका जो वाई कॉम्पोनेंट है उसको हमने नाम दिया एफ वाई एक्स कॉमा वाई मतलब ये वाली जो वैक्टर फील्ड है उसका जो एक्स कॉम्पोनेट है एफ एक्स और वो है एक्स कॉमा वाई और जो वाई कॉम्पोनेट है एफ वाई एक्स कॉमा वाई सिमिलरली यहाँ पर यह वाली जो वेक्टर फील्ड जा रही है इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है उसको हमने नाम दिया एफ एक्स और वो बराबर में एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई सिमिलरली ये वाली जो वैक्टर फील्ड है उसका जो वाई कॉम्पोनेंट है उसको हमने कंसिडर किया एफ वाई और वो है X प्लस एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई यहाँ पर हमने कॉम्पोनेंट को इस तरीके से क्यों कंसिडर किया इसके बारे में अब भी हमें पता चल जाएगा तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब ये वाली लाइन ये वाली जब लाइन होगी ये वाली लाइन का जब हम लोग लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे तो उस केस में ये जो एफ फैक्टर है उसका जो एफ एक्स कॉम्पोनेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा तो ये वाली लाइन का जो लाइन इंटीग्रल होगा उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वेक्टर वो ये एफ एक्स रिस्पॉसिबल होगा एफ एक्स एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई सिमिलरली जब हम लोग ये वाली लाइन का जब हम लोग लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे तो उस केस में जो वैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा वो ये वैक्टर का ये एफ वाई कॉम्पोनेंट जो कि एफ वाई एक्स कॉमा वाई सिमिलरली जब हम लोग ये वाली लाइन का लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे तो उस केस में जो रिस्पॉन्सिबल वैक्टर होगा वो होगा एफ एक्स एक्स कॉमा वाई सिमिलरली जब हम लोग ये वाली लाइन का लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे तो तो उस केस में जो रिस्पॉन्सिबल वैक्टर होगा वो होगा एफ वाई एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई यहां पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास यहां पर दो ऑप्शन होते हैं डिरेक्शन के या तो हम लोग क्लॉक वाइज डिशन कंसिडर कर सकते हैं या फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं तो जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होगा या फिर टोटल लाइन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए ये वाले केस में हम लोग जो डिरेक्शन प्रीफर करेंगे वो होगा एंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन तो अगर हम लोग एंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन प्रीफर करेंगे तो उस केस में जो आई थ्री और जो आई फोर होगा लाइन इंटीग्रल वो होगा नेगेटिव मतलब ये वाला जो लाइन इंटीग्रल है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं आई थ्री सिमिलरली ये वाला जो लाइन इंटीग्रल होगा जिसके लिए रिस्पॉसिबल एफ आई कॉम्पोनेट होगा उसको हम लोग मान लेते हैं आई फोर सिमिलरली ये वाला जो लाइन इंटीग्रल है उसको मान लेते आई वन ये वाला जो लाइन इंटीग्रल है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते आई टू तो जो टोटल लाइन इंटीग्रल होगा वो बराबर में होगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें घूमना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहाँ तो पर ये यह जो आई थ्री लाइन इंटीग्रल और यहाँ पर ये जो आई फोर लाइन इंटीग्रल है वो है क्लॉक वाइज डिरेक्शन में तो जो आई फोर लाइन इंटीग्रल और जो आई थ्री लाइन इंटीग्रल होगी वो हो जाएंगे नेगेटिव तो यहाँ पर जो आई फोर लाइन इंटीग्रल और जो आई थ्री लाइन इंटीग्रल है वो क्लॉक वाइज डिरेक्शन में जिसके वजह से आई फोर लाइन इंटीग्रल जो होगा वो होगा नेगेटिव और जो आई थ्री लाइन इंटीग्रल होगा वो भी होगा नेगेटिव जो आई वन लाइन इंटीग्रल होगा वो बराबर में होगा एफ एक्स यहाँ पर ये जो आई वन लाइन इंटीग्रल होगा वो बराबर में होगा एफ एक्स एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स सिमिलरली जो आई टू लाइन इंटीग्रल होगा ये वाला वो बराबर में होगा एफ वाई एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई इंटू डी ये वाला टर्म सिमिलरली ये जो आई थ्री लाइन इंटीग्रल होगा वो बराबर में होगा एफ एक्स एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई आई थ्री लाइन इंटीग्रल एफ एक्स एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई इंटू डी एक्स सिमिलरली जो आई फोर लाइन इंटीग्रल होगा वो बराबर में होगा जो आई फोर लाइन इंटीग्रल होगा वो बराबर में होगा एफ वाई एक्स कॉमा वाई इंटू डी वाई तो जो आई फॉर लाइन इंटीग्रल होगा बराबर में होगा एफ वाई एक्स कॉमा वाई इंटू डी वाई यहाँ पर हमने डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई इसलिए कंसिडर किया क्योंकि जितने भी जो लाइन इंटीग्रल है वो डी एक्स और डी वाई के डायरेक्शन में हो गए तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो I1 वन लाइन इंटीग्रल और जो I3 थ्री लाइन इंटीग्रल होगा उसको हम लोग साइमिलियसली कंसिडर करेंगे क्योंकि दोनों में Fx और डीएक्स कॉमन है दोनों में एफ एक्स और डी एक्स कॉमन है सिमिलरली जो I2 टू लाइन इंटीग्रल और जो I4 फोर लाइन इंटीग्रल होगा दोनों को साथ में कंसिडर करेंगे क्योंकि दोनों में एफ वाई डीवाई एफ वाई डीवाई कॉमन है तो जो टोटल लाइन इंटीग्रल होगा वो बराबर भी होगा यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये आई वन आई टू आई थ्री आई फोर ये चारों जो लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू आप इसको नोट कर लो तो जो टोटल लाइन इंटीग्रल होगा बराबर में होगा आई वन लाइन इंटीग्रल प्लस आई टू लाइन इंटीग्रल माइनस आई थ्री लाइन इंटीग्रल माइनस आई फोर लाइन इंटीग्रल तो जैसे कि मैंने बोला आई थ्री आई वन साइमटेन्यूसली आई टू आई फोर साथ में हम लोग कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस आई थ्री प्लस आई वन प्लस आई टू माइनस आई फोर तो ये जो माइनस साइन होगी वो एज इट इज होगी आई थ्री एज इट इज प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आई वन एज इट इज प्लस प्लस ये जो प्लस की जो सिंबल होगी वो एज इट इज आई टू यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देखें आई टू माइनस आई फोर तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आई थ्री की जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये यह जो आई थ्री की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और ये जो नेगेटिव साइन होगी वाई इट इज़ आई थ्री की जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो उस केस में हमें मिलेगा एफ एक्स एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई फिर उसके बाद आई वन की जो वैल्यू उसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आई थ्री है ये जो आई थ्री और जो आई वन है आई थ्री और जो आई वन है दोनों में जो डी एक्स है वो है कॉमन तो जब हम लोग आई थ्री और आई वन को जब हम लोग पुट करेंगे तो जो डी एक्स होगा उसको हम लोग पहले से कॉमन आउट कर लेंगे सिमिलरली यहाँ पर ये जो आई वन होगा वो बराबर में होगा माइनस एफ एक्स एक्स कॉमा वाई सिमिलरली जो प्लस साइन होगी उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे और यहाँ पर जो आई टू और जो आई फोर है दोनों की वैल्यू पुट करेंगे जब हम लोग दोनों को पुट करेंगे तो दोनों में यहाँ पर ये जो डी वाई और जो डी वाई वो कॉमन है तो दोनों को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एफ वाई एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई माइनस एफ वाई एक्स कॉमा वाई और यहाँ पर हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे डी वाई को तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला टर्म हमें क्या इंडिकेट कर रहा है ये वाला जो टर्म है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है एफ एक्स एक्स कॉमा वाई प्लस डी एक्स ये वाला वैक्टर सिमिलरली ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ये वाला वैक्टर तो ये जो रिलेशन है ये वाला जो रिलेशन है ये वाला रिलेशन ये पूरा रिलेशन हमें इंडिकेट कर रहा है ये दोनों वैक्टर के बीच का जो वैक्टर डिफरेंस है वो और दोनों वैक्टर के बीच का जो वैक्टर डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमें परफॉर्म करना होगा पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू वाई और यहाँ पर जो डी वाई होगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा मतलब ये दोनों वेक्टर के बीच का जो ये वाला जो रिलेशन है ये वाला जो रिलेशन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है दोनों वेक्टर के बीच का वेक्टर डिफरेंस तो दोनों के बीच का जो वैक्टोरियल डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा या फिर परफॉर्म करना होगा पार्शियल डिफेंसेशन ये दोनों एक्स कॉम्पोनेंट का विथ रेस्पेक्ट टू वाई और जो डी वाई होगा उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा जिसके वजह से ये दोनों वेक्टर के बीच का जो डिफरेंस होगा जो कि यो ये रिलेशन इंडिकेट कर रहा है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू तो वाई क्यों कंसिडर करेंगे क्योंकि अगर हम लोग देखें एफ एक्स एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई और यहाँ पर वाई यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले रिलेशन में जो वाई है उसमें चेंजेस है मगर जो एक्स है उसमें कोई चेंज नहीं है जो एक्स है वो है कॉन्स्टेंट मगर जो वाई है उसमें चेंज है यहाँ पर वाई जो है वो है वाई प्लस डी वाई और यहाँ पर जो वाई है वो है सिर्फ वाई मतलब जो y है उसमें चेंज है मगर x एक्सिस में कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पर हम लोग जो डिफ्रेंसिएन परफॉर्म करेंगे वो y के रेस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे और जो dy होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके वजह से ये दोनों जो वैक्टर है ये दोनों वक्टर के बीच का वैक्टर डिफरेंस हमें मिल जाएगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे नेगेटिव साइन एज इट इज़ होगी पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वक्टर विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई जिसके वजह से दोनों के बीच का जो वैक्टोरियल डिफरेंस है वो हमें मिल जाएगा और ये जो डी एक्स होगा वो एज इट इज होगा सिमिलरली जो प्लस साइन होगी उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे अभी ये वाला टर्म हमें क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये वाला जो रिलेशन है हमें इंडिकेट कर रहा है ये दोनों जो वैक्टर है यहाँ पर ये वाई और यहाँ पर एफ वाई एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई ये दोनों के दोनों वेक्टर के बीच का जो वैक्टोरियल डिफरेंस है वो हमें ये वाला रिलेशन इंडिकेट कर रहा है तो ये दोनों वेक्टर के बीच का जो वैक्टोरियल डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें परफॉर्म करना होगा पार्शियल डिफ्रेंसियशन ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एक्स और जो डी एक्स होगा उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा जिसके वजह से ये दोनों जो वेक्टर है ये दोनों वेक्टर के बीच का जो वैक्टोरियल डिफरेंस है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में क्यों करेंगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले रिलेशन को केयरफुली तो ये वाले रिलेशन में एक्स प्लस डीएक्स और एक्स और यहाँ पर दोनों में जो वाई है वो है कॉन्स्टेंट तो दोनों में जो वाई है वो है कॉन्स्टेंट और जो एक्स है उसी में ही चेंज आ रहा है तो हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये जो वैक्टर हो गए ये दोनों वैक्टर के वाई कॉम्पोनेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स और जो dx होगा उसको हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई डिफ्रेंसिएशन के साथ जिसके वजह से दोनों वेक्टर के बीच का जो वैक्टोरियल डिफरेंस है वो हमें मिल जाएगा तो अल्टीमेटली हमें कुछ इस तरीके का रिलेशन मिलेगा पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स तो ये वाला जो टर्म होगा हमें ये दोनों के बीच का रिलेशन दे देंगे और ये जो डी वाई होगा वो एज इट इज होगा तो इसके आगे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो टर्म होगा इसको हम लोग पहला लिखेंगे पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई कॉम्पोनेंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स इंटू डी वाई प्लस यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर है माइनस साइन यहाँ पर है प्लस साइन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वैक्टर विद रेस्पेक्ट टू वाई डी एक्स डी वाई यहाँ पर अगर हम लोग देखें डीएक्स डी वाई क्या है ये जो डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई क्या है यहाँ पर हमने कंसिडर किया था यहाँ पर हमने जो ये जो एरिया का डायमेंशन कंसिडर किया था यहाँ पर ये यह वाला जो डायमेंशन था वो था डीएक्स और यहाँ पर ये यह वाला जो डायमेंशन था वो था डी वाई जब डीएक्स और डीवाई को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा जिसको हमने कंसिडर किया था डीएस या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं डी एस डेल्टा जिसको हम लोग शो कर सकते हैं डेल एस -S से या फिर सिंपली हम लोग शो कर सकते हैं डी एस से तो जो डीएक्स और जो डी वाई है वो बराबर में डी एस के तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डी एक्स और जो डी वाई डी एक्स डी वाई उसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे डी एस तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो i है वो क्या है ये जो i है वो है क्लोज लाइन इंटीग्रेशन या फिर बोल सकते हैं टोटल लाइन इंटीग्रेशन जिसको हमने आउट किया तो ये जो टोटल लाइन इंटीग्रल होगा पर हमने जो टोटल लाइन इंटीग्रल जो फाइंड आउट किया है ये को अभी हम लोग पर पुट कर देंगे पर पर को अभी कर देंगे। तो ये जो टोटल लाइन इंटीग्रल है हम लोग क्लोज लाइन इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। तो जो टोटल लाइन इंटीग्रल होगा उसको हम लोग ये क्लोज लाइन इंटीग्रल की जगह पर पुट कर देंगे तो जब हम लोग करेंगे तो उस केस में जो आउटकम निकल के आएगा

तो जो डी एस होगा वो ये ये वाला जो डी एस होगा वो ये दोनों डी एस को कैंसिल कर देगा अल्टीमेटली हमें जो आउटकम निकल के आएगा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फंक्शन तो या फिर कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस टेंस टू जीरो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटू यूनिट वैक्टर एन कैप तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो रिलेशन है ये वाला रिलेशन है ही क्या ये वाला जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कर्लिंग इफेक्ट या फिर बोल सकते हैं कर्ल जो कि वाई एक्स प्लेन पर बन रहा है सिमिलरली अगर हम लोग देखें अगर वेक्टर फील्ड अगर एक्स वाई जेड के फंक्शन में होती है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा अगर वैक्टर फील्ड अगर एक्स वाई जेड के फंक्शन में होती है वैक्टर फील्ड मान लेते हैं एक्स वाई जेड के फंक्शन में होती है तो उस केस में हमें मिलेंगे तीन कर्ल एक जो कर्ल होगा वो वाई एक्स प्लेन पर बनेगा दूसरा जो कल होगा वो वाई जेड प्लेन पर बनेगा और तीसरा वाला जो कल होगा वो जेड एक्स प्लेन पर बनेगा यहां पर अगर हम लोग देखें पहला हमने क्या कंसिडर किया था हमने ऐसा मानते हुए चला था कि जो वैक्टर फील्ड है वो वाई और एक्स के फंक्शन में तो जो वेक्टर फील्ड जब हमने कंसीडर किया था वाई और एक्स के फंक्शन में तो उस केस में हमें एक कल मिला था जो कि वाई एक्स प्लेन पर बन रहा था सिमिलरली जब हम लोग कंसीडर करते हुए वे चलेंगे वेक्टर फील्ड एक्स वाई जेड के फंक्शन में तो उस केस में हमें तीन कल मिलेंगे एक जो कल होगा वो वाई एक्स प्लेन पर बनेगा दूसरा कल बनेगा वाई जेड प्लेन पर तीसरा वाला जो कल होगा वो बनेगा जेड एक्स प्लेन पर तो मान लेते हैं ये ये वाली जो वाई एक्स प्लेन है इसको हम लोग मान लो लेते हैं एस टू ये वाई जेड प्लेन एस वन ये जो जेड एक्स प्लेन है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एस थ्री तो जो एस वन सर्फेस पर जो कल बनेगा उसको हम लोग मान लेते सी टू कल एज अ वक्टर सिमिलरली जो एस टू सर्फेस पर जो कल बनेगा उसको हम लोग कंसिडर कर लेते सी वन कल एज अ वैक्टर एस थ्री सर्फेस पर जो कल बनेगा उसको हम लोग कंसिडर कर लेते सी थ्री कल एज अ वैक्टर तो जो नेट कल होगी जो नेट कल होगी वो बराबर में होगी नेट कल एज अ वैक्टर या बराबर में होगी सी वन कल एज अ वैक्टर प्लस सी टू कल एज अ वैक्टर प्लस सी थ्री कल एज अ वैक्टर तीनों के वैक्टर एडिशन के तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें अल्टीमेटली हमें यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक प्लेन के लिए एक्स वाई प्लेन के लिए जो हमें जो कल मिला था वो हमें कुछ इस तरीके का मिला था सिमिलरलीमिट्री सिमिट्री से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ये तीनों प्लेन के लिए यहाँ पर ये वाली प्लेन और ये एस वन प्लेन एस थ्री प्लेन तीनों प्लेन के लिए हमें जो कल मिलेगा उसका जो रिलेशन होगा उसको हम लोग ये वाले रिलेशन के सिमिट्री से प्रूफ कर सकते हैं यूनिट वेक्टर आए क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ़ एफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ़ एफ वाई विद रेस्पेक्ट टू जेड प्लस यूनिट वैक्टर जै पार्शल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जेड माइनस पार्शल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस यूनिट वैक्टर के पार्शल डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शल डिफरेंसिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कल जो कि वाई जेड प्लेन पर बन रहा है मतलब ये वाले प्लेन पर बन रहा है ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कल जो कि जेड एक्स प्लेन पर बन रहा है जो कि यहाँ पर बन रहा है सिमिलरली ये वाला जो रिलेशन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कल जो कि वाई एक्स प्लेन पर बन रहा है तो यहां पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स यूनिट वैक्टर आई प्लस पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू वाई यूनिट वेक्टर जे कैप प्लस पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू जेड यूनिट वेक्टर के कैप और यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे वेक्टर फंक्शन एफ एक्स यूनिट वैक्टर आई कैप्ल एफ वाई यूनिट वैक्टर जे कैप्लस एफ जेड यूनिट वैक्टर के कैप यहाँ पर ये यह जो ऑपरेटर होता है यहाँ पर ये यह जो टर्म होता है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर के बराबर में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल ऑपरेटर और यहाँ पर हमने कंसिडर किया हमारा फंक्शन जो कि है वक्टर फंक्शन तो अल्टीमेटली हमें जो आउटकम निकल के आएगा कल ऑफ अ वक्टर फील्ड कल ऑफ अ वक्टर फील्ड इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वैक्टर फील्ड अलॉन्ग विद द डेल ऑपरेटर या फिर कल ऑफ अ वैक्टर फंक्शन इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वैक्टर फंक्शन अलॉन्ग विद द डेल ऑपरेटर तो हमने यहाँ पर प्रूव किया ये वाला जो रिलेशन होता है कल ऑफ अ वक्टर फंक्शन का वो एक्जैक्टली exactly बराबर में होता है उट तो किया था उससे पहले हमने कंसिडर किया था वैक्टर फील्ड जो एक्स के फंक्शन में और उसके मिला था कल और वो जो कल मिला था वो हमें मिला था क्लोज लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करने के बाद तो यहाँ पर हमें जो क्लोज लाइन इंटीग्रल जो मिला था जो क्लोज लाइन इंटीग्रल जो मिला था हमें वो कुछ इस तरीके का मिला था आई I मीन mean, जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले इनिशियली हमने क्या कंसिडर किया था हमने कंसिडर किया था वैक्टर फील्ड जो कि वाई और एक्स के फंक्शन में तो उस केस में हमें मिला था एक क्लोज लाइन इंटीग्रल उस केस में हमने फाइंड आउट किया था क्लोज लाइन इंटीग्रल जो कि ये वाला टर्म हमें इंडिकेट कर रहा था तो ये जो क्लोज लाइन इंटीग्रल था इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया था ये जो क्लोज लाइन इंटीग्रल था उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया था तो जब हमने यहाँ पर पुट किया था तो उस केस में हमें क्या मिला उस केस में हमें मिला ये जो वाई एक्स प्लेन पर जो कल बन रहा है वो उसके बाद हमने क्या कंसिडर किया उसके बाद हमने माना कि जो वैक्टर फील्ड है वो एक्स वाई जेड के फंक्शन में तो जब हमने माना वैक्टर फील्ड एक्स वाई जेड के फंक्शन में तो उस केस में हमें तीन कल मिला और जो तीनों जो कल था वो तीनों प्लेन पर बन रहा था तीन अलग अलग प्लेन पर बन रहा था जो कि एक ये वाला कल ये वाला कल और तीसरा ये वाला कल फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है इसको हमने अरेंज करके डायल ऑपरेटर के लिए एक रिलेशन बनाया और उसके बाद ये जो वेक्टर फंक्शन है उसका एक रिलेशन बनाया अल्टीमेटली हमें जो आउटकम निकल के आया वो निकल के आया कल ऑफ अ वैक्टर फंक्शन इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट वैक्टर फंक्शन अलॉन्ग विद द डायल ऑपरेटर यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ देखें यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट करें यहाँ पर ये जो कल ऑफ अ वक्टर फंक्शन होता है कल ऑफ अ वक्टर फंक्शन ये वाले टर्म के बराबर में होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फील्ड अलोंग विद द डेल ऑपरेटर और ये वाला जो टर्म होता है वो एग्जैक्टली exactly बराबर में होता है ये वाले इक्वेशन के तो कल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन के जगह हम लोग ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं ये वाला टर्म और ये वाला जो टर्म होता है वो बराबर में होता है ये वाले इक्वेशन के तो अब तक के हमने कल के कॉन्सेप्ट से क्या डिस्कस किया जो कल होता है वो एक वैक्टर क्वान्टिटी होता है जो कल होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं वैक्टर फील्ड में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे कल फाइंड आउट करने बोल दिया जाए तो जो पॉइंट होगा उसके अक्रॉस मैं कंसिडर करूंगा इन्फानेटासीमल लूप और वो जो इन्फाइनाटासीमल लूप होगा उसका मैं क्लोज लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करूँगा जो इफाइनाटासीमल लूप होगा उसका मैं क्लोज लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करूंगा और वो जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा उसको मैं वो लूप के एरिया के साथ डिवाइड कर करूंगा जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन्फाइनाटासीमल स्मॉल होगा जिसके वजह से पॉइंट का जो कर्लिंग इफेक्ट होगा वो हमें मिल जाएगा और अगर दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नोट करने वाला है अगर कोई भी वेक्टर फील्ड का अगर कर्लिंग इफेक्ट अगर जीरो होता है तो जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा वो वेक्टर फील्ड का वो भी जीरो होगा सिमिलरली अगर कोई भी वेक्टर फील्ड का अगर कर्लिंग इफेक्ट अगर नॉन जीरो होता है कल अगर कोई भी वेक्टर फील्ड का नॉन जीरो होता है तो उस केस में जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा वो भी होगा नॉन जीरो